सो गाइज टुडे वी आर लिविंग मॉस्को, अभी चेकआउट कर दिया है एंड वी आर गोइंग टू मेट्रो स्टेशन, उसके बाद चलते हैं एयरपोर्ट. शी इज़ लिटिल बिट अपसेट बिकॉज शी लाइक्स मॉस्को. दिस टू मच, नो दिस टू मच ओवर एक्टिंग. आई एम सैड. दिस टू मच ओवर एक्टिंग बेबी. नो, आई डोंट वांट टू गो. ओके चलते हैं. ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन पेरो मास्काया. यहाँ से लेंगे मेट्रो, एक बार मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद लास्ट में लेंगे टैक्सी एयरपोर्ट के लिए. और अभी हम मेट्रो से बाहर आ गए हैं और स्टेशन का नाम है रिचनोय वक्जाल. यहाँ से हमें मिलेगी बस एयरपोर्ट के लिए. बस का नंबर है 851. सो अराउंड 200 रूबल्स में हम दोनों एयरपोर्ट तक जा रहे हैं और इफ़ यू विल टेक टैक्सी इट विल कॉस्ट मोर देन 1000 ईजिली. और काफ़ी कंफर्टेबल है, आराम से बैठने की जगह है, सामान ले जा सकते हैं आप. सो अभी हम आ गए हैं मॉस्को के शेरेमेतेवो टर्मिनल सी पे. ये काफ़ी स्ट्रेंज है, इस बार बोला है एयरलाइंस ने कि बैगेज देना है टर्मिनल सी पे और फ्लाइट है हमारी टर्मिनल बी पे, बट दोनों टर्मिनल पास ही हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. सो गाइस बैगेज दे दिया है एंड वी हैव स्टिल 3 मोर आवर्स टू गो. And when you're traveling with some women, they're always scared and you come to the airport very early. And you have a lot of things to do now. Yes, when you travel with a woman, she will every time caring about you and herself. So since हमारे पास अभी काफ़ी time है flight के लिए, तो आपको दिखाते हैं शेरेमेतेवो एयरपोर्ट मॉस्को का क्या क्या है यहाँ पे. So flight की information के लिए यहाँ पे बड़े बड़े पैनल लगे हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं आपका चेक इन कहाँ पे है. और इसी एयरपोर्ट के अंदर है जो आप सामने देख रहे हैं ये वाला, ये है कैप्सूल होटल. तो छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं जिसके अंदर आप पे करके रेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी फ़्लाइट थोड़ी लेट है तो. चलिए आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा. ये तो यहाँ पर टीवी स्क्रीन भी लगी हुई है जैसे आप देख रहे हैं, मिरर है और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी है, इवन सेफ भी है यहाँ पे और म्यूज़िक वगैरह के लिए सब कुछ है. तो काफ़ी कंफर्टेबल है, अगर आपकी फ़्लाइट लेट है तो आप कैप्सूल होटल में रेस्ट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए. और शेरेमेतेवो एयरपोर्ट से आपको मॉस्को सिटी के लिए ट्रेन भी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एरो एक्सप्रेस ट्रेन टू मॉस्को. तो आप अगर यहाँ पर जाएंगे तो आप ट्रेन पर बैठ सकते हैं मॉस्को सिटी के लिए. मॉस्को सिटी में टोटल 4 एयरपोर्ट्स हैं, बट 3 मेन हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जहाँ से चलती हैं. एक तो ये है शेरेमेतेवो और 2 और हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं उनको VKO और DME. तो ये 3 एयरपोर्ट मेन हैं. सेम और गुड. So next thing that we like about Moscow is beautiful city, my favorite. I like it. I want to live here. But why? People want to know. All beautiful, but why? Decorations, lighting. I don't know. I feel here amazing. I don't know how to explain.
A lot of possibility. So मेरे हिसाब से मॉस्को का प्रो एक और ये है कि विंटर टाइम में अगर आप यहाँ आएंगे क्रिसमस टाइम में तो सिटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है. डेकोरेशंस, लाइटिंग्स, स्पेशली रेड स्क्वायर के आसपास अगर आप आएंगे तो बहुत ही कमाल का लगता है. नेक्स्ट एक और प्रो है जो मॉस्को की है, वो ये है कि यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छी रहती है कंपैरेटिवली सेंट पीटर्सबर्ग के. तो सेंट पीटर्सबर्ग में ये कौन है वेदर, क्योंकि काफ़ी विंडी रहता है, बारिश भी होती है. फ्रॉम मॉस्को यू कैन फ्लाई टू एनी कंट्री, यू हैव ऑल द फ्लाइट्स, सो दिस इज़ अ बिग प्रो इन मॉस्को. बट सेंट पीटर्सबर्ग में फर्स्ट यू हैव टू गो टू मॉस्को, देन यू हैव टू गो टू इंटरनेशनल फ्लाइट्स. तो मॉस्को से बेसिकली आपको इंडिया दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, बट सेंट पीटर्सबर्ग से नहीं मिलेगी. सो गाइस अभी आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में अपने बोर्डिंग गेट के पास और यहाँ पे ऑर्डर की है ट्रेडिशनल रशियन फूड, दैट इज पिलमिनी. सो दिस इज द पिलमिनी. टिकट गाइस मैं लैंड हो गए हैं. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय.